एवरीवन, आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जेई के एग्जाम हुए हैं अभी उनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन न्यूटोनियन फ्लूइड्स शीयर स्ट्रेस इज डैश टू द रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन। तो इसका सही ऑप्शन था प्रोपोर्शनल। शीयर स्ट्रेस हमेशा रेट ऑफ शीयर डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सर्वे का है जिसमें WCB का फुल फॉर्म पूछा था। तो WCB का फुल फॉर्म होता है होल सर्कल बेयरिंग। ये एक एंगल मेजर करने का सिस्टम है। इसमें हम नॉर्थ से मेजर करना शुरू करते हैं एंगल को और 360 डिग्री हम इसमें मेजर करते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। उसमें हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल्स को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन एप्टीट्यूड का था कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 8 ईयर्स मोर देन द सम ऑफ द एज ऑफ मदर। डिफरेंस इन एज ऑफ मदर एंड द सन इज 22 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ फादर आफ्टर 4 ईयर्स। तो फादर प्लस सन का जो एज है वो मदर से 8 ईयर्स ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। अगला इक्वेशन हो गया कि डिफरेंस इन एज ऑफ मदर एंड सन इज 22 ईयर्स। तो मदर माइनस सन इज 22। तो इन दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि फादर का जो एज है वो 30 ईयर्स है करेंटली और 4 साल बाद उनका एज होगा 34। तो करेक्ट ऑप्शन था 34। अगला क्वेश्चन ओपन चैनल फ्लो का है हमारे पास कि एट क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी इज। तो क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 स्टेट से पास करती है इंडिया में, जो कि है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग बल्किंग ऑफ सैंड व्हाट हैपेंस। तो ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आंसर था वॉल्यूम इंक्रीजेस। बल्किंग ऑफ सैंड में अपेरेंट कोहेजन की वजह से वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता है सैंड का। अगला क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी इज मेजर्ड बाय। तो कंसिस्टेंसी हम मेजर करते हैं विकेट सेपरेटर से। अगला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है, द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड। तो बेंडिंग मोमेंट जिस जगह पे जीरो होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बल्क डेंसिटी सीमेंट की कितनी होती है। तो बल्क डेंसिटी सीमेंट की होती है 1300 kg पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन फिर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है कि इन अ कैंटिलीवर बीम बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट। तो कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है और फिक्स्ड एंड पे हमेशा सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का था कि रिमूवल ऑफ ग्रिट सैंड एंड अदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन विच यूनिट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ग्रिट सैंड और अदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, जो भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है, इन सब का रिमूवल एक ही जगह पे होता है जो कि होता है ग्रिट चेंबर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास एप्टीट्यूड का, द स्पीड ऑफ ए इज 72 किलोमीटर्स पर आवर और बी की स्पीड दी हुई है 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस ए की स्पीड को हम मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्पीड हमें दी हुई है 72 किलोमीटर्स पर आवर, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आवर्स है तो हम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मीटर्स पर सेकंड में ए की स्पीड है 20, बी की स्पीड 25 है, तो उनका डिफरेंस है 5 मीटर्स पर सेकंड। तो सही ऑप्शन था 5 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8 देयर LCM कैन नेवर बी। इसका सही ऑप्शन है 60, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, कि दो नंबर के जो फैक्टर्स हैं, जो भी जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उसमें जो हाईएस्ट है वो क्या है, पर LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कि जो दो नंबर है उनके जितने भी मल्टीपल्स है उसमें से जो लीस्ट है कॉमन है वो क्या है। तो अगर 8 उनका HCF है तो 60 कभी भी उनका LCM नहीं हो सकता, बिकॉज 60 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर 8 एक फैक्टर है तो इसका मतलब कि जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन दो नंबर के वो 8 से डिविजिबल जरूर होंगे, लेकिन 60 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर 60 एक मल्टीपल होता उन दो नंबर का तो 8 उनका कभी भी कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकता था। तो इसका सही आंसर है 60। अगला क्वेश्चन था कि विस्कोसिटी की यूनिट CGS में क्या होती है। तो विस्कोसिटी की यूनिट CGS में होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम डेंसिटी को कहते हैं, और सॉइल सॉलिड्स का दिया हुआ है तो सही ऑप्शन था डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स।
अगला क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का कि आइडियल फ्लूइड्स हैविंग जीरो विस्कस फोर्स फॉलोज विच इक्वेशन. तो सही ऑप्शन था बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन में विस्कस फोर्स जीरो होती है और आइडियल फ्लूइड्स इसको फॉलो करते हैं. अगला क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का था कि 90% ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन 0.6 mm एंड स्मॉलर देन 2 मिलीमीटर्स द सैंड इज कॉल्ड. तो मैं पहले आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि फाइन सैंड जो होता है, फाइन सैंड होता है 0.075 mm से 0.425 mm के बीच. मीडियम सैंड होता है 0.425 mm से 2 mm के बीच. और कोर्स सैंड होता है 2 mm से 4.75 mm के बीच. तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सैंड जो है 0.6 mm से 2 mm के बीच में है. तो सही आंसर होगा मीडियम सैंड. अगला क्वेश्चन मैथ्स का था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स क्या होगा. तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 से. तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम होगा वो होगा 50 इंटू 50 प्लस 1 बाई 2. और अगर इनका एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटीज से हम डिवाइड कर देंगे जो कि 50 है. तो सही आंसर होगा 25.5. अगला क्वेश्चन है कि स्टील इज व्हाट काइंड ऑफ अ मटीरियल. तो ऑप्शंस में था इलास्टिक प्लास्टिक एंड इलास्टोप्लास्टिक. तो सही ऑप्शन था इलास्टोप्लास्टिक. स्टील एक सर्टेन लिमिट तक इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है और उसके बाद वो प्लास्टिक हो जाता है. अगला क्वेश्चन था कि 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल्स टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट. तो एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं. अगला क्वेश्चन है कि ग्रेवल इज अ डैश काइंड ऑफ सॉइल. तो ग्रेवल जो है एक नॉन कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल है, इसमें कोहेजन नहीं होता है. अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट का सीमेंट में क्या फंक्शन होता है. तो कैल्शियम सल्फेट रिटार्डर की तरह काम करता है. तो इसका सही ऑप्शन था इट इंक्रीजेस द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट. ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है. अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास हाइड्रोलॉजी का था, जो कि था कि फुल फॉर्म ऑफ IMD क्या होता है. तो IMD का फुल फॉर्म होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. अगला क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, अ सीवर इन विच डोमेस्टिक एंड स्टॉर्म वेस्ट फ्लोस टुगेदर इज कॉल्ड एज. तो जिसमें डोमेस्टिक और स्टॉर्म वेस्ट दोनों साथ में बहते हैं, ऐसे सीवर्स को हम कंबाइंड सीवर्स कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है. अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस. रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है. अगला क्वेश्चन है कि VED का फुल फॉर्म क्या होता है. तो VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल. अगला क्वेश्चन है कि हाइपरमेट्रोपिया को हम किस लेंस से करेक्ट करते हैं. तो हाइपरमेट्रोपिया नियर साइटेडनेस होता है, इसमें पास का क्लियरली नहीं दिखता है. इसमें जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, तो इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस का इसमें यूज करते हैं ताकि जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना पे आ जाए. अगला क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो इन हरियाणा रीच द फिगर ऑफ 950 फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर. तो इसका सही ऑप्शन है 2017 में पहली बार हरियाणा में सेक्स रेशियो 950 को टच किया था. अगला क्वेश्चन है कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में स्थित है. अगला क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग का है कि विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज कितना होता है. तो ब्रॉड गेज रेल्स का जो विड्थ होता है वो होता है 1.676 मीटर्स. अगला क्वेश्चन था कि फॉर्मर जनरल ऑफ आर्मी श्री दलबीर सिंह सुहाग वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट. तो दलबीर सिंह सुहाग जी छज्जर से बिलोंग करते थे. अगला क्वेश्चन है द वन हु टेक्स लीज इज नोन एज. तो सही ऑप्शन था इसका लीसी. लीज लेने वाले को हम इंग्लिश में लीसी कहते हैं. अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पोज्ड लोड. ऑप्शंस थे क्रेन लोड, स्नो लोड, डस्ट लोड. तो सही आंसर है क्रेन लोड. क्रेन लोड एक इम्पोज्ड लोड नहीं है, क्योंकि क्रेन लोड हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो हट जाता है. अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड इन हरियाणा. तो इसका सही ऑप्शन है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट. अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के लोकायुक्त अभी कौन है. तो हरियाणा के करंट लोकायुक्त NK अग्रवाल है. अगला क्वेश्चन है कि कप्तान सिंह सोलंकी इज द डैश गवर्नर ऑफ इंडिया. तो कप्तान सिंह सोलंकी 16वें गवर्नर है हरियाणा के.
अगला क्वेश्चन है कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो बहादुरगढ़ को पुराने जमाने में शराफाबाद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू वन, ई इक्वल्स टू फाइव एंड एन ए आर आई इक्वल्स टू 42, देन एस एन ए आर आई टी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू वन है जो पोजिशन है, ई की वैल्यू फाइव है जो कि फिफ्थ लेटर है इसलिए इसकी वैल्यू फाइव है, तो उसी हिसाब से जब हम एन ए आर आई सारे लेटर्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 42 आएगा। जैसे एन जो है वो 14th लेटर है, आर जो है वो 18th है, आई जो है वो 9th है, तो इन सब की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 42 आएगा। उसी हिसाब से जब हम एस एन ए आर आई टी इन सब की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा होगा 81, तो करेक्ट आंसर 81 है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का था कि ईगर का सिनोनिम हमें बताना था कि दिए गए ऑप्शंस में से, तो ईगर का सिनोनिम ऑप्शंस में से सही ऑप्शन था कीन। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जनरल नॉलेज का था कि पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो पोंगल जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगला क्वेश्चन था इंग्लिश का कि राम डैश टीवी डेली, तो इसका सही ऑप्शन है वॉचेस, राम वॉचेस टीवी डेली।